वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम अलोक इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अलोक इंडस्ट्री स्टॉक की बात की जाए तो रिसेंटली देख सकते हैं 19.85 पे क्लोजिंग दे चुका है अलोक इंडस्ट्री स्टॉक। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के दिन में 10 पैसे की गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिले और तकरीबन 0.50% की गिरावट देखने को मिले अलोक इंडस्ट्री स्टॉक के अंदर। जैसे कि देख सकते कि आज अलोक इंडस्ट्री गैप डाउन से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद तेजी देखने को मिली थी, तो प्रीवियस क्लोजिंग का एक स्ट्रॉन्ग रिजिशन लगते ही फिर से गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। रिसेंटली देखा जाए तो देख सकते कि 19.85 पे क्लोजिंग दे चुका है यानी कि प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे। तकरीबन मार्केट कैप देखोगे तो देख सकते 9.86 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है अलोक इंडस्ट्री का। और पिछले 5 दिनों की भी बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में तकरीबन तेजी देखने को मिली थी, पर 20 लेवल पे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन लगा और वैसे फिर से गिरावट देखने को मिले है। तकरीबन देखोगे तो फिर भी 3.66% ऑफ यहाँ पे अलोक इंडस्ट्री स्टॉक। तो वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम भी देख सकते हैं आज के दिन का 18 लाख से ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। ट्रेडेड वैल्यू जो है 356 लाख की है। तो देखा जाए तो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन अवेलेबल नहीं है, फिर भी यहाँ पे देख सकते हो कि चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो फिर से 20 लेवल पे आज रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ चुका है। पिछले 2 दिनों से यहाँ पे कल भी रेजिस्टेंस लिया, आज भी रेजिस्टेंस लेके गिरावट देखने को मिले। फिर से गिरावट होती है तो फिर से 19 लेवल तक आने के चांसेस यहाँ पे ओपन हो जाएगी अलोक इंडस्ट्री स्टॉक के लिए। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं अलोक इंडस्ट्री स्टॉक के लिए।